गाइस वेलकम गेमिंग कस्टम एच फोर के सो टुडे वी हैव अ 77 प्लेयर्स एंगल का हमारा मैप एंड 23 टीम्स प्लेन पार्थ हमारा जाएगा नोवो पोरिया टू टीम्स की बात करो तो हमारी टीम नंबर वन एक्स टी दैन टीम डेबल्स एच फोर के जूनियर वैनम एस एन आर टीम मेजर जो फोर पहले मेजर थी फिर फोर ई ए हुई थी एंड फिर से मेजर हो चुकी है देन टीम रो आती है हमारी टीम सी एच बी बॉब स्केल्टन टीम जूनियर रेडिकल टैरा टीम नूब रोएज ऑफिशियल टीम डी एम आर टी आर एंड टीमिनल टीम टीम एच फोर के सीनियर्स एंड ट्वेंटी टी एस एंड टीम किंग टीम्स की बात कर तो ड्रॉप अपना लेने स्टार्ट कर दिया है जैसे कि हमें टीम्स दिख रही हैं <coughs> आज साइबर एंड टीजे दोनों ही नहीं थी तो वहाँ पे टी डब्लू सुनाई जाती नज़र आती है बट आज आइए नो पोरियाना में जोकर करो पी एन चंदन ओपी बॉब डी एस आर के सोलो हैं उनके स्क्वाड पूरा खेल रहा है लेट आए थे थोड़ा पाँच में रोस्टर थे तो वहाँ पे लूट करेंगे वो भी नोवो पोरियाना नूब आदिम भी यहाँ पे सोलो हैं शोर गन उनके पास बॉब डी एस आर के सामने उनके होंगे बॉब डी एस आर के, के पास एम सिक्सटीन है शोर गन वर्स एम सिक्सटीन गन एक क्वालिकीफाइड है यहाँ पर या नूब आदिम यहाँ लोट कर चुके हैं अपनी बाकी टीम्स की बात करूँ तो टीम जी टी आर टीम नंबर हमारी या ए के एंड प्लेयर गया है बाकी एक सोलो प्लेयर ज़्यादा नजर आ रहा है एस एन आर मिल्टा में गई है और टीम रो मिल्टा जाती है यहाँ पे नूब आदि पीछे की ओर जाता हुआ किंग ऑफ मेज यानी कि टीम मेज वर्सेस टीम किंग फाइट होती हुई हमारी जो होगी स्कूल अपार्ट में आई थिंक सो हेलो एक्सक्यूज मी ब्रो व्हाट इज दिस बिहेवियर आप क्यों नहीं बोल रहे वहां पे का राइजर इज रेज को फिनिश ऑफ करेंगे रेज वर्सेस टीम भी होता हुआ जी हां राइजर रेज थोड़ा पॉप के जंगल में फंसे हैं वहां छोटे अपार्टमेंट लूटते हैं वो बाकी तीन प्लेयर्स उनके सिटी लूट करते नजर आते हैं फिलहाल किंग ऑफ मेज यहां एक और डाउन करेंगे भाई क्या हो रहा है आज फिलहाल बैक टू बैक थ्री यहाँ पे ले चुके हैं किंग ऑफ मैच यानी टीम किंग कि, टीम किंग का सोलो प्लेयर बचा हुआ है कैप्टन चार्ली टीम मेज के प्लेयर थ्री किल्स ले चुके हैं बैक टू बैक एस एन आर की फाइट होती हुई टीम के साथ दोनों ही किल्स टीम SNR को मिलते हुए जी हाँ मिल्टा भाई ये फाइट हुई है फिलहाल मेजर वर्सिज एच फोर के एच फोर के जूनियर्स की फाइट आई थिंक सो एंड एच फोर के सीनियर वर्सिज टीम रो भी हो रहा है वो शायद ये एस नया के अंदर होगा जी हाँ बिल्कुल असदी डाउन किए गए थे मेजर की ओर से वो रिवाइव उन्हें दे दिया गया है फिलहाल तय सादिक अली यहाँ आलूट करते हुए अली के पास कोई गन है नहीं फिलहाल मुन्ना भैया मिस्टर ओस्कर यानी कि डी एम के प्लेस के साथ फाइट होती हुई वहाँ पर टीम डी एम एंड टीम वैनम जूनियर्स भी मौजूद हैं टीम ट्वेंटी अभी के लिए छोटे छोटे कंपाउंड्स लूट करेगी ट्वेंटी टू में आज कैसे है एटीन में भी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में भी ट्वेंटी

थ्री मैन स्क्वाड अभी के लिए यहाँ कंटिन्यू रखेगा इस फाइट को फ्लैश के पास है अभी एस एस टीम रो क्लोज़ करते हुए रेगा यहाँ पर मौजूद हैं एंड कन स्विच कर चुके हैं रेयोगा और उनके ऊपर क्लोज आता हुआ हम बाद वहाँ पर तैयार को डाउन करेंगे और उनके लिए यहाँ पर क्लोज भी होगा क्रिमिनल स्टार कैप्टन चार्ली उसको नोक फिट ऑफ करते हुए किंग मेज के क्रिमिनल स्टार को फिलहाल बैक टू बैक दो नोक निकाल चुकी है टीम मेजर या दो निकाल चुकी है तो ये फाइट भी इजी होगी अली बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करे बैठे हुए हैं वो भी नोक होंगे एंड पूरी टीम फिनिश हुई को दो मिलते हुए यहाँ किल और टीम टी एस ऑनर साइड एक किल वो भी ले चुके चुके हैं हो रिवाइव चुकी वहाँ पे शोट गन से रहे होगा यहाँ पे डाउन करेंगे प्लेयर को दूसरे प्लेयर को डाउन करेंगे एम फोर से स्विच करके को होगा स्विच कर डाउन हो जाएंगे फ्लैश एंड लीजन दो ही प्लेयर्स बचते हैं बहुत ज्यादा लो एच पे बचे हुए हैं कवर कितनी देर में मिलेगा बट वहां किल कन्फर्मेशन पे लगा हुआ था उनका प्लेयर टीम रो एजन अभी के लिए अपने टीम को बचा के ले गए हैं रिवाइव वो दे रहे हैं फ्लैश यहाँ से निकलने का देख रहे हैं आई डोंट नो उनके पास लूट नहीं है इसलिए शायद बट ये एक थोड़ी गलती थी यहाँ पे साथ जाते तो कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था उनके लिए नू वादिम टी डब्लू चंदन ओपी को डाउन कर देंगे और क्लोज कर देंगे नू बादिम टी डब्ल्यू जो कर ओपी हो गए उनके सामने इस बार रोल अपी एस लीजन वो करेंगे अपनी शोप लेकिन नू वादिम यहाँ से अपना दूसरा किल भी लेते हुए वन बी टू होता वो अब डी एस आर के सामने होंगे उनके अब वन वी वन फाइट में लूट कर रही है एंड एस एनआर मिल्टा लूट करेगी टीम नंबर एरिया के ऊपर के अच्छा थोड़ी आगे चला गया पे एक अच्छा था थोड़ा कुक और होता था हम मुंह पे ही फूटता के पास चार किलो हो चुके हैं सी एच बी अपना बिग सिटी लूट करेगी टीम रेडिकल टेरा राजगटा का एरिया लूट करती नजर आ रही है एंड मुन्ना भैया टॉक्सिक राइडर को डाउन कर देंगे शायद यहाँ पर टीम डी एम की फाइट चलती हुई मौत अह सिम खुद को डाउन हो चुके है वैनम जूनियर्स वर्सेस टीम डी एम होता हुआ यहाँ वैनम फैज अपनी स्कार के साथ डी एम राजा को इंस्टैंड नो करेंगे एंड फिनिश ऑफ डाल देंगे और पीछे से एक कवर मुन्ना भैया की ओर से आता हुआ थ्री मुन्ना भैया उठाते हुए एक किलम फैज को मिलता हुआ टीम वैनम जूनियर्स आज भी अपना दबदबा कायम रखती हुई फोर किल्स ले चुकी है टॉप एटीन में आ चुकी है एट्टीन टीम फिफ्टी फाइव प्लेयर्स हमारे लाइव है जी टी आर का डुओ यहाँ पे ए के एंड अनुज वो दोनों ही प्लेयर्स लूट पूरी हो चुकी है उनकी यहाँ से निकलेंगे जो उनके लिए हैं वो डी एस आर के एंड नोवादिम जिनकी वन वी वन फाइट नोवो पोरियनो के अंदर हमारी चलेगी टी एस बुर्तली हम साकेत को डाउन करेंगे यहाँ टी एस बी फाइटिंग एज लेने के लिए आ चुकी है फाइटिंग टीम मेज वर्सेज टी... मे... किंग ऑफ मेज ही बचे हुए हैं टीम मेज की तरफ से टी एस ने बहुत मुश्किल बढ़ा दी है उनकी टीम किंग तो यहाँ से लेमिनेट हो चुकी है किंग ऑफ मेज यहाँ से

वाटर सिटी उनका मेन कंपाउंड रहता है वो उसको लूट कर चुके हैं वो और पोचिंग की यहाँ से टीम वो लूट करके निकल चुकी है टी, टीम रो अपना पूरा दबदबा या स्नाया मनाती है फिलहाल लीजन को रिवाइव दे दिया गया था एंड लीजन रिवाइव होकर अब लूट करते नज़र भी आ रहे हैं ये रूप नंबर फर्स्ट जो फ्लेयर रूप मंगाया यहां पे ओग ओम सॉरी ओम एंड गिरोजा लेवल थ्री हेलमेट एंड वेस्ट के साथ टीम नंबर वन के सोलो प्लेयर ने लेकिन उनके ऊपर आ चुकी है टीम टेन का ट्रियो स्केल्टन बैनो स्केल्टर बानोल एंड एल एन सी विजय देखते हैं किसको मिलता है ये किल को ही मिल जाएगा तो टेन मात्र हुआ है वो और उनके प्लेयर्स ने शायद भाप भी लिया है कि यहाँ पर एक ही प्लेयर है अभी के लिए नहीं भापा दैट्स वाई वो सीधा पोषिंग नहीं कर रहे हैं वरना पोषिंग करते हुए नजर आते फिलहाल अकेले प्लेयर जो है उसके पास की रोजा भी होगी एंड ओम भी होगी बट अभी के लिए वो ओम बिल्कुल पिक कर चुका है गिरोजा काफी मदद देने वाली है यहाँ पे इस फाइट को इंगेज करने में क्योंकि ये फाइट अगर उनके पास एक्सटेंड होता तो काफी मजेदार फाइट होती है वन वी थ्री भी हार्ड नहीं है गिरोजा से अगर करना चाहे तो कोई भी प्लेयर बट देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर जो सोलो प्लेयर है वो अपनी टीम को कॉल देगा क्या होगा फिलहाल आज आज टीम रो आज तो नहीं है मिल्टा में तो शायद वैनम को ब्रिज करने से नहीं रोक पाए मन अभी तक तो हमेशा वैनम ब्रिज कैम्प करने से पहले ही वहां पर टीम रो से फाइट इंगेज करती नजर आती है और टीजे उस चीज का फायदा उठा के निकल जाती थी बट टीजे भी नहीं है अनबिलीवेबल

प्लेयर्स के बीच इंटरेस्टिंग वन वन चलता हुआ कभी डीएसआर के पीछे जा रहे थे बट अब यहाँ पर नोब आदिम पूरा डीएसआर के स्कोर कर चुके हैं काफी लो उन्होंने डी एस आर के कर दिया हील लगाने का मौका देना नहीं चाहते नोबादिम और पूरा क्लोज करते हुए यहाँ डी एस आर के अपर साइड में यहाँ पे डी पी ट्वेंटी हुए स्टार यूज कर रहे नहीं है वो डी एस आर के नीचे अप कर चुके वो सामने होंगे, उनके नो वादिम इस बार टीपी पी लिया अभी के लिए खड़े रहेंगे टी एस आर के यहाँ अंदर की ओर जाते हुए डाउन होता हुआ डीएसआर के बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं इस चीज का फायदा पूरा पूरा उठाएंगे नूबादिम क्लोज करते हुए ऑन द अदर साइड वहाँ पे एक प्लेयर को डाउन कर पाए हैं बस टीम नंबर वन के प्लेयर दूसरे प्लेयर ने उनको टीम स्किल डन या नो करा एंड फिनिश वो बी कर देंगे डी एस आर के यहाँ हील लगा चुके हैं यहाँ हील करने का मौका दे दिया यहाँ पे डी एस आर के को और दोनों ही प्लेयर्स इक्वल फाइट में थे लेकिन नूब आदिम का गन स्विच बहुत अच्छा रहा गन स्विच तो दोनों ही प्लेयर्स ने किया था यहाँ पे तीनों ओ नूब ओके नूब आदिम उठाता हुआ फिलहाल एस एन आर का प्लेयर वहाँ पे जी टी आर एक के न के साथ नोक करेगा और पीछे से वैनम भी मुश्किल बढ़ाने आएगी फिलहाल लास्ट मैन सर्वाइवल है वो नोक तो उसे फिनिश ऑफ तो कर दी नहीं उसे नहीं किया गया फिनिश वो किल उठा लेगा वहाँ से एन एस एन आर के या एस एन आर फिनिश कर देगी जहाँ एस एन आर वो तो फिनिशअ कर देगी लेकिन पीछे से वैनम से कैसे बचेगी क्योंकि वैनम वहाँ पे वैनम सेजी एस आर नोबीता का डाउन नोबीता को डाउन करते हुए कर गन लोड करेगा टेन बैंडेजेस मात्र हुए हैं उस मात्र बच्चे हुए हैं उसके पास पूरी एस एन आर को इलिमिनेट करते हुए वैनम के सैजी यहाँ तीनों किल्स वैनम के सैजी को मिले हैं यहाँ पे एक किल यहाँ पे अनुज को मिलता अगर वो अलाइव रहते तो फोर्टी टीम फोर्टी थ्री प्लेयर्स हमारे बच्चे हुए हैं नो आदिम अकेला प्लेयर नोवो पोरियनो की ओर से आएगा वहाँ पर एंट्री लेगा उसको सामना करना पड़ेगा वैनम के वैनम की टीम का ऑन द दस सारे टीम वैनम जूनियर्स फेरीफेयर के एरिया से रोटेशन डालेगी सी एच बी एंड मेजर भी जॉर्जो सिटी एंड जॉर्जो से रोटेशन अपनी चालू रखेंगे वो भी क्योंकि दोनों के बाहर हैं एय्स की बात करूँ तो पहला एयरपो तो फ्ले ड्रॉप आया था एयरपो नंबर टू हमारा नॉर्मल ड्रॉप जो ये स्नाया की ओर आया है रोज़ा लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट बैक बैकपैक के साथ सप्रेसर ए आर एड ऑफ नंबर थ्री भी यहाँ पर नॉर्मल आया है हमारा मशीन का लेवल थ्री हेलमेट वेस्टबैक बैकपेक के साथ और एडअप नंबर फोर फ्ले ड्रॉप मंगाई गई है टीम नंबर टेन प्लेयर्स की ओर से ही जहाँ सेकेंड फ्लेयर रोप होगा चार एयरप्स में से सेकेंड फ्लेयर रोप यहाँ पे आएगा इनका एयर नंबर फोर हमारा फ्लेयर रोप नंबर टू आता वो मशीन एम के लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट एंड मेटकेट के साथ तो चार एयर ऑप्स आ चुके हैं जिसमें दो की लूट स्केल्डन के पास होगी टीम स्केल्टन फिलहाल नूब ब्रिज के लिए आए निकले जरूर थे बट शायद उन्होंने वैनम स्पोर्टेड कर ली या उनका जाने का फैसला पहले से ही पानी के अंदर रहा है वैनम के प्लेयर सभी के लिए होल्ड करे बैठे हैं व्हीकल्स अपनी तैयार रख लिए यहाँ से वैनम निकलती हुई नजर आ रही है फिलहाल नो पूरा अपना एट एक्स के साथ देखने का ट्राई और यहाँ पे शॉट भी लिया है उन्होंने तो यहाँ से शॉट लेके शायद वेनम हंटर को जरूर साउंड पहुंचा होगा दूसरे ब्रिज से जाने का भी ट्राई आई थिंक से नोवादिम की ओर से देखने को मिल सकता है या वो वहाँ से वर्ड लेकर चाहेंगे पानी के जरिए क्रॉस करना फिलहाल टीम टीम टी एस वर्सेस रेडिकल टेरर की फाइट होती हुई जो जो पर आई थिंक so, अपार्टमेंट के अंदर ये टी एस पासा को नेट से डाउन कर दिया है रेडिकल टेरर के ड्रैकुला ने वही उनको टकास की ओर से दिया जा रहा है लेकिन यहाँ रेडिकल टेरर क्लोज करते हुए नजर आ रही है गिनेट्स काफी अच्छे हैं यहाँ पे रेडिकल टेरर की ओर से लगातार डाले जा रहे हैं बुतले नोक निकालने का ट्राई कर रहे हैं खुद भी नोक हो सकते थे हीलिंग करनी होगी फर्स्ट एड पोपिंग कर चुके हैं अपने आप को फिलहाल के लिए तो लेकिन ड्रैकुला का ये कि नेट पूरा पर होकर आता हुआ पूरा के मुंह पे फूटेगा ये ड्रप क्लब का गेनेट काफी अच्छा गेनेट दूसरा गेनेट फिनिश ऑफ डाल सकता था अभी बाबा का ये गेनेट लेकिन टीम रेडिकल टेर पूरा क्लोज करती हुई टीम टीएसके प्लेयर्स रिवाइव देंगे या टकास रिवाइव देंगे बुरतली को क्या रिवाइव हो पाएंगे रिवाइव तो हो पाएंगे बट हील लगाने का मौका इतनी आसानी से देगी नहीं रेडिकल टेरा यहाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल रिवाइव हो चुके हैं लाल गिनेट्स यहाँ पे प्री गिनेट्स के रूप में प्री स्मोक्स भी मैं बोलूँगा बुरतली यहाँ पे हील नहीं कर रहे हैं अपने आपको अब हील करेंगे वो स्मोक पूरे फैला दिए गए हैं पूरे ऊपर टीम रेडिकल टेरा अब होल्ड कर लगे क्योंकि रिवाइव हो मिल चुका है फिलहाल रेडिकल टेरा ऊपर की ओर ही आना चाहती है बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग फाइट थ्री वी थ्री फाइट होगी रेडिकल टैराजी टी एस के पास यहाँ पर थ्री किल्स हैं एंड रेडिकल टेरा के पास कोई किल है नहीं भुड़ले हैं पूरा पीक करके बैठे हुए हैं नीचे से स्पोर्ट कर लें उन्हें बाबा या दूसरा प्लेयर तो एक खराब सिचुएशन में हो सकते हैं लेकिन ऑन द साइड भुटले भी उन्हें खराब पोजीशन में डाल सकते हैं फिलहाल के लिए तो स्मोक्स जो काफी किए गए थे या पूरा ओपन में आके ये नेम गुमशुदा नाम नीचे से छोड़ देता हो और टी एस पशु बहुत ज्यादा लो भी कर दिया है लेकिन उनको ही ना दे देंगे टी एस काज स्पॉट हो चुके हैं यहाँ ट्रिक यूज़ करते हुए यहाँ ट्रिक यूज़ की गई थी गेट की गेट की बीवी बाबा एंड गमशुदा नाम की ओर से और टी एस पासा को बहुत ज़्यादा लो भी किया गया था यहाँ पर स्टेट बॉबिन कर चुके हैं लेकिन टीएस एस टीम क्लोज करते हुए ड्रैक कलर डाउन कर देंगे यहाँ पे बुरतली को और टकाज एंड पाशा आगे की ओर जाएंगे बाबा आएंगे सामने बाबा भी डाउन हो जाएंगे पाशा भी डाउन हो जाते हैं दो प्लेयर्स वन वन वी टू होगा यहाँ पे टकाज के पास ट्रैक गन स्विच करके फिनिश ऑफ कर देंगे टीम एलिमिनेट होती हुई यहाँ पर टीम टी एस किल्स टीम रेडिकल टेरर को मिलते हुए थर्टीन टीम्स फोर्टी प्लेयर्स हमारे अलाइव रहेंगे और साइड टीम नूब का प्लेयर जैसे मैं बोल रहा था मिलिट्री वाले ब्रिज से क्रॉस करके गया है वेनम ने एक फ्लेयर रोप मंगाया मिलटरी एयर फाइव के रूप में वो लूट कर लिया है एयरम नंबर सिक्स नॉर्मल आता हुआ फिलहाल जैनम जूनियर्स के साथ फाइट होगी वन वी टू फाइट में है मुन्ना भैया को डाउन कर चुके हैं फैज अकेला प्लेयर बचा हुआ है वैनम जूनियर के लिए नूब आदिम के साथ फाइटिंग एज करता हुआ नजर आएगा कि नहीं लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ एन कुछ ज्यादा ही दूर चले गए हैं मुन्ना भैया यहाँ डाउन पड़े हुए हैं जस्ट उनके वहां पर नू वादिम थे लेकिन नू वादि वहाँ से निकल चुके हैं जोन के लिए निकल चुके हैं शायद वहाँ मालूम था नो वादिम को यहाँ टीम मेट आने का भट्टियाँ रुके हैं अब जोन में जाकर को रिवाइव में नाम फैस दे रहे हैं क्या रिवाइव देने देंगे फिलहाल रो की फाइट होती हुई टीम रो वर्सेस टीम बो हमारी फाइटिंग होती नज़र आ रही है एक ड्रॉप के पास फाइट थी नॉर्मल ड्रॉप के पास वो मर्सी डाउन हो चुके हैं कजामर नोक होती नुक हुई थी रिवाइव हो चुके हैं पर ड्रो की तरफ से भी यहाँ पे बैक टू बैक दो नोक दे चुके हैं प्लेयर्स रो लव को नोक कर चुके हैं रो एजन को डाउन कर चुके हैं यानी कि फेज़ान एंड जोकर तो ये प्लेयर बचेंगे अभी के लिए फैज़ान तो रिवाइव दे रहे हैं एजन को रोलअप को बिछाने का भी ट्राई बट लव शायद यहाँ पे बच नहीं पाएंगे सामने उनके वो भी लें क्या आई थिंक सुधर से इस पेटी नहीं जी हम एक पेड़ का पूरा पूरा कवर है वो इविल एक प्री गिनेट के रूप में गिनेड डालते हुए रो के लव का किल कन्फर्मेशन या वैनम के प्लेस लेंगे लेकिन फैजान को भी हम डाउन करेंगे टी एच एम फैजान या टीम वैनम एक थर्ड पार्टी नहीं आती हुई पूरा एक किल यहाँ से सहजी ने और उठा लिया है अपना फैजान को रिवाइव देने का पूरा पूरा ट्राई यहाँ पर सहजी का रहेगा और वो हो भी जाएगा पॉसिबल नू वादि को हाइपर पर रिवेल करेगा फिनिश ऑफ जो टीम ट्वेंटी के खाते में पहुँचेगा वीम साढ़ी एट प्लेयर्स हमारे लाइव रहेंगे टीम वन एम जूनियर्स बी ट्वेंटी की ही साइड से जो उनमें एंट्री लेगी वन हम सहजी हैं रिवाइव दे रहे हैं टीम रो का ट्री बचा हुआ है दो किल्स उनके पास है टीम वो का पूरा स्क्वाड एक किल लेकर बैठा हुआ है अभी के लिए जोन हमारा जल्दी ही नया जोन देखने को मिलेगा यहाँ जोन बन चुका है मेंशन शेल्टर के मिडिल एरिया में पूरा जोन बन चुका है यह स्न अभी जोन से कट चुका है टीम मेजर टीम एच फोर के सी एच बी ट्रिंटी एंड मेजर जूनियर और रेज सॉरी वैनम जूनियर एंड रेज ये टीम जोन से बाहर है सी एच बी ने भी एक रोप मंगाया है ऐसा कोई मैप नहीं जहाँ पर सी एच बी के पास रोप नहीं एम के एक रोजा लेवल थ्री हेलमिट वेस्ट एयर सप्रेसन इनके हर डोप लोकेशन पे एक फ्लेयर पड़ी हुई रहती है फिलहाल रेज के प्लेयर्स यहाँ डाउन करेंगे रेडिकल टेरर के ड्रैकुला गेट नोक डाउन थ्री वी थ्री फाइट थी रिवाइव वहाँ पर दिया जा रहा है रेज प्लेयर्स क्लोज करना चाहेंगे कि नहीं आई थिंक सो करना चाहिए था बट थोड़ा लेट हो गया यहाँ हेडमैन थोड़ा फ्लैंग पोजिशन में आते हुए फ्लैंग करते हुए बाबा वहाँ पर स्पोर्ट कर चुके हैं ड्रैकुल रिवाइव छोड़ के वहाँ फाइट होते हुए बाबा यहाँ बी बाबा वर्ष हिटमैन गुमशुदा नाम यादव पीछे से बट रेज स्टैनल यहाँ पर एंट्री लेते हुए रेज स्टैनल करेगा डाउन बी बाबा को भी गुमशुदा नाम लास्ट में ऑफ रेडी कल टेरर रिवाइव छोड़ना नहीं चाहता लेकिन टीम रेज भी वो काम करते हुए रेज हिटमैन आगे की ओर आएंगे हिटमैन को डाउन किया जाएगा बट रेज स्टैनल ऑफ इन द चेट गाइज एक किल हिटमैन को मिलेगा दो किल मिलेंगे यहाँ पे रेज स्टैनल को

ट्राई तो था अभी कल से जाने का बट फिर से रुक गए हैं अपने तीन व्हीकल्स लेके चलते हुए वैनम एंड बोब के साथ या कार 98 के शॉर्ट्स वैनम सहजी देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ इस के स्नाइपिंग भी वैनम सहजी हर रोल अदा करने को तैयार रहते हैं फिलहाल वही रोल अपना अदा करते हुए यहाँ से स्नाइपिंग करते हुए एक स्नाइपर गन यहाँ पे ओम भी पड़ी हुई है ड्रॉप में अगर आप ड्रॉप तक पहुँच जाए तो वैनम के प्लेयर्स यहाँ देख देख कर एक ना एक ट्राई हो रहा है वैनम हंटर की ओर से ट्राई दिख रहा है या वो व्हीकल को कवर लगाने का ट्राई है फिलहाल जोन क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है हमारा और जोन में सी एच बी अपना रोटेशन चालू रख रखी चल कर चुकी है बाकी वैनम जूनियर भी ऑलमोस्ट जोन में पहुंच चुके हैं टीम ट्वेंटी के प्लेयर्स भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं यानी कि सारे प्लेयर्स एज ऑफ द जोन है मिडिल ऑफ द जोन टीम एंड बॉब और स्केल्टन बैठे हुए हैं बाकी सब एज ऑफ द जोन बैठे हुए हैं इक्कीस मिनट हमारे गेम को हो चुके हैं और अभी तक हमें टॉप 11 अपने मिल चुके हैं जिसमें 30 प्लेयर्स 35 प्लेयर्स मौजूद ट्वेंटी एक यही हिल का कवर देखने को बट अभी वेस्ट कवर देखने को और है ट्वेंटी तो रेज का रोटेशन जा रहा है बो वहाँ सामने होगी वैन सैजी का स्प्रे पड़ेगा रेज इस टैनल को करेंगे डाउन इंस्टेंटली फिनिश अप करने का ट्राई हंटर की ओर से वो फिनिश अप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोहब पूरा क्लिस करना चाहते हैं रेड डीजल को भी पड़ेगी वैन एम इस बार उसको डरेंगे डाउन फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे वैनम सैजी यहाँ पूरे के यहाँ पे एक टीम स्पिरिट चलती हुई रेज इट मैन अकेला प्लेयर बचा हुआ है शेक के सहारे अपने आप को अभी तक सर्वाइव करते हुए नजर आई वो प्लेयर अलग अलग व्हीकल्स है तो फिलहाल रेज के लिए अकेले हिटमैन बचे हुए हैं बोप के पास एक किले और वैनम के पास आते हुए छह किल्स सैजी के पास पांच एक किले सात के पास बैंडेज शेयर होते हुए फिलहाल रो यहाँ फाइट लेते हुए नज़र आ रही है ऑन द अदर साइड टीम सी एच बी रो होता हुआ रोज होकर सी एच बी के प्लेयर को नो कैन फिनिश ऑफ डाल देंगे यहाँ पे सी एच बी के अपो ओपी को वेजीटोपी एंड आकाश ओपी दो प्लेयर्स बचे हुए हैं टीम रो के साथ फाइटिंग है जो कि टू वी थ्री फाइट में होंगे यहाँ वेजीटोपी के डी पी ट्वेंटी एट के सामने टी एच एम फैजान इस कारण लेके बैठे हुए थे डाउन करेंगे यहाँ पे वेजीटोपी को भी आकाश ओपीजा लास्ट में सर्वाइवल फोर एम ए आकाश ओपी एलेवन सीम थर्टी रूपएस ग्रेड आता हुआ काशो ओपी काफ़ी करीब बट यहाँ उक नहीं निकाल पाएंगे किसी भी किसी को भी इस गिनेट से फिलहाल टी एच एम फैजान काफ़ी क्लोज आते हुए एड एंड साइड से रि, रिवाइव छोड़ेंगे वो फैज़ान के साथ यहाँ पे एम के शायद फैजान के बाद से बिल्कुल मेजर पहली फाइट लेंगे रेड फ्लैश को करेंगे डाउन टी टी एस लजन जी हाँ फ्लैश डाउन हो चुके हैं लीजन या रिवाइव देने का पूरा पूरा ट्राई टीम मेजर ने आज के रखी है कि एच पो के जूनियर्स हों या सी सभी को वहाँ पर किल कन्फर्मेशन लेना है हमें

यहाँ कंपाउंड होल्ड कर रखा है और वो कंपाउंड ही जोन बन चुके हैं फिलहाल एज ऑफ द जोन तो जो वो बैठे रहेंगे ट्रिंटी के जस्ट आगे ड्रॉप आया है क्या लूटना चाहेगी एक लालच भरा ड्रॉप जो पबजी वाले देते ही हैं रोजा लेवल हेलमेट वेस्ट के साथ एक्स भी आया है उसे ड्रॉप में वैनम के प्लेयर्स की बात करू तो एक प्लेयर यहाँ रुका हुआ है यहाँ धीरे धीरे अगर सभी जाते हुए नजर आ रहे हैं शायद वैनम फिजान अभी के लिए वही है जी आ, I don't know why वेनम यहीं पे पे यहीं होल्ड कर रखे हैं अपने आप को। उनके पास है या नहीं, वो भी एक जी आ, बिल्कुल नहीं है उनके पास। ये एक मुश्किल होगी फिलहाल वैनम की ट्वेंटी की ब्लेज को डाउन करेंगे, वेनम हंटर। को भी करेंगे वेनम हंटर। दो प्लेयर्स डाउन कर चुके हैं लास्ट प्लेयर ही बचा हुआ है आर टी आर अक्ष क्लोज बुल पूरा उसके ऊपर होता हुआ आरटीआर टी आर अक्षुके व ट्री कहाँ देगा वो जहाँ दो प्लेयर्स डाउन किए हैं वैनम हंटन ने वो किल कंफर्मेशन भी ले लेंगे वैनम सहजी सेलमोन भाई बनते हुए यहाँ पे व्हीकल के साथ फिनिश ऑफ करेंगे और आरटीआर के प्लेयर्स को हंटर करेंगे फिनिश ऑफ विदेड लाल हटे मैन या ट्वेंटी कैरी को डाउन करेंगे ओंधा द साइड गिरोजा चलती हुई वैनम सात को करेंगे वो डाउन विजय यहाँ पे टीम टेन के विजय हाइपर लेवल रहे जिटमेन किल कन्फर्मेशन लेंगे टीम स्केल्टन के प्लेयर्स वैनम हंटर को भी डाउन करेंगे यहाँ दो नोक निकाल चुके हैं टीम टेन के प्लेयर्स वैनम सैजी अकेला प्लेयर अभी यहाँ क्योंकि फैजान बहुत दूर है जोन में भी कटेंगे वो थोड़ा फिलहाल जोन का स्कैम तो टीम नंबर टेन के साथ भी होने वाला है लेकिन वैनम सैजी का ये गलती यहाँ पर वीकल रोक के पूरा वहाँ पर एक तरीके से बैठ गए शायद शायद जोन उसकी गलती नेट की गलती हो सकती है लेकिन कुछ भी फिलहाल वैनम फैजान अकेली होप ऑफ टीम टीम अंदर से फाइट ले रही है टीम नंबर के प्लेयर्स को डाउन कर चुकी है एक प्लेयर को वैनम फैजान को भी स्पोर्ट कर चुकी ऑलमोस्ट फैजान को फिनिश ऑफ करेंगे लेकिन यानी कि टीम नंबर टेन के प्लेयर्स टीम टेन का भी के लिए है बट वो बच्चे का एक प्लेयर बहुत ज्यादा लो है एक उन लोग नोक पड़ा हुआ है और टीम बॉब के बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ शॉट्स आते हुए फिलहाल रिवाइव हमें दिया जा रहा है अक्षु अकेला बच्चा हुआ है सेवन टीम्स ट्वेंटी लाइव है हमारे जो नया बन चुका है मेजर जोन में एंट्री ले चुकी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो प्लेस बाहर हैं दो प्लेस एज पहुंच चुके हैं एंड टीम में मैडम जूनियर्स का डुओ एक शेक का सहारे लेके बैठा हुआ है उनके जस्ट भी सामने ट्रिंटी है उनके साइड फाइटिंग एज करना चाहता है लेकिन टीम मेजर एक अपना अच्छा कवर पकड़ने का ट्राई मेजर ऐसा पीछे की ओर रुके हैं जैद अभी आगे की ओर जा रहे हैं एंड फिर सवाल यहाँ पे है एस के एस चलाते नजर आ रहे हैं व्हीकल्स के उनके टायर खराब करते हुए वो नहीं चाहते कि और टीम्स को, जो है भाई वो, नहीं लेने का ड्रॉप के चाहत यहाँ पे मेजर के हमाद रखते हुए एक्चुअली गिरोजा की चाहत रखते हुए स्मोक पूरा कर चुके हैं वो एंड उसके आगे भी स्मोक्स कर रहे हैं मेजर हमाद और वो खुद भी ड्रोप लूटना चाहेंगे जी नहीं फिलहाल स्मोक कर चुके हैं कवर भी वहाँ पे देते हुए सो ले जाते हुए एक कवर में वुड शेक का कवर पे जाते हुए हम जूनियर राइट एंड साइड से निकलेंगे फिलहाल एजम एंड हमाद बक्की से ट्रेवल करते नजर आएंगे दोनों प्लेयर्स फिलहाल थोड़ा और आगे आना चाहती थी जाना चाहती थी और आगे फिलहाल मेजर हमाद या वीक अब लूटेंगे वो ड्रॉप गोजा है ड्रॉप के अंदर अभी तक तो शिफ्ट की नहीं है फिलहाल मेजर के प्लेयर्स भी जो उनके अंदर मौजूद है सेवन टीम ट्वेंटी प्लेयर्स हमारे ट्वेंटी एक सही कवर लेके बैठी हुई है ट्वेंटी नेट जाता है जैक के काफी करीब होगा ये नेट काफी अच्छा के नेट यहाँ पे जैद की और से सेवन टीम ट्वेंटी प्लेयर्स लेट्स यहाँ पर कौन लेगा चिकन डिनर टीम रोज जिस साइड से रोटेशन ले रही है डो ही बचा हुआ है उस साइड से वहाँ पर टीम मेजर को मुश्किल में डाल सकती है क्योंकि पीछे से वो अपनी व्हीकल छोड़ के में आ आगाना चाहती है लेकिन काफ़ी पीछे छोड़ दी जिसके चलते उन्हें पता लगा कि गलती थी वो फिलहाल आगे की ओर जाते हुए नजर आएंगे वो उसी व्हीकल से फिलहाल साउंड मेजर हम को जरूर आ जाएगा पीछे से यहाँ बिल्कुल पीछे से जस्ट रो आ चुकी है एंट्री ले चुकी है रो लेफ्ट हैंड साइड में टीम मेजर के दो प्लेयर्स होंगे मेजर हम्मा प्रो डाउन हुए हैं नोक होंगे रोज होकर की ओर से एजम आएंगे एजम बहुत अच्छे तरीके तो, से एक नोक निकालेंगे दूसरा भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे बॉब ईवी करेंगे एक को फिनिश ऑफ फिलहाल मेजर के प्लेयर्स एक अच्छा कवर अपने प्लेयर हमाद को देते हुए टीम मेजर का अलग ही लेवल का गेम प्ले चलता हुआ दिख रहा है सेवन उन्होंने ले लिए हैं बॉब की बात करूं पूरा एक कंपाउंड लेकर चारों तरफ से किल्स बट हो रही है चार किल्स उनके हो चुके हैं

क्या इधर की प्लेस रिवाइव देंगे बिल्कुल बचाने का ट्राई करते हुए ज्यादा आगे की ओर आते हुए इस वाले अपना पूरा ट्राई अपने बचने के लिए करते हुए स्मोक किए जा रहे हैं फिलहाल जैद रिवाइव देने के लिए भी होने जा रहे हैं एंड रिवाइव भी दे देंगे जोन के अंदर भी है तो ज़्यादा बीटी होगा नहीं ट्रिंट इज गेट गेट डाउन बाइक बोब का जामा एंड टीम बॉब थोड़ा चार्जिंग करती नज़र आ रही है क्योंकि बॉब मर्सी काफ़ी आगे आ चुके हैं और इस पर बिल्कुल चार्जिंग करते हुए फ़र्कस आगे की ओर जाते हुए स्लैम एक करते हुए उनके ऊपर जोन में भी एंट्री लेना था एक्चुअली उन्हें बॉब को ट्रिंटी जस्ट पीछे है वो वर्क के साथ यहाँ वी वन, वन होगा वो फर्कस को डाउन करेंगे ट्रेंटी फेर पीछे से कवर फायर स्किल ट्रम को मुन्ना भैया डाउन करेंगे ट्वेंटी फेयर का जामा को भी डाउन कर देंगे एंड ट्रंटी कैरी यहाँ पे डाउन करेंगे बोब मर्सी को टीम बॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल में बॉब लास्ट मैन सर्वाइवल गिनेट्स यहाँ पे मोरोडो और गिनेट्स की तो लाइन में छी बड़ी फिलहाल ट्रंटी आगे चार्जिंग करते नजर आ रही है बॉब ईवी यहाँ पूरा टीम बॉब गेट एलिमिनेटेड लेकिन मेजर के साथ फाइटिंग हुई थी यहाँ पे जैनम जूनियर्स ने उनके ऊपर स्लैम किया था मेजर्स के प्लेयर्स बहुत अच्छी तरीके से एक क्लजैद को मिलता हुआ एक्सक्यूज मी दोनों किल्स जी नहीं एक सवाले को मिलता हुआ जैद को मिलता हुआ नाइन किल्स होते हुए टीम मेजर के थ्री टीम्स नाइन प्लेयर्स बचे हुए हैं एंड नाइन किल्स उनके हो चुके हैं स्केल्टन मुन्ना अकेला प्लेयर है बाकी फोर बी फोर फाइव ट्वेंटी वर्सेज मेजर देखने को मिलेगी हमें या जोन की बात करूँ तो जोन आई थिंक सो दोनों ही टीम्स के ऊपर नहीं है जहाँ दो जो दोनों ही टीम्स को जाना है स्केल्टन मुन्ना जो अकेला बचा हुआ है वो रिच के सारे खेलता नजर आएगा ये थोड़ा जिस टीम का भी मामला खराब करेगा वो पूरा यही करने वाला है अगर पहले फिनिश ऑफ नहीं किया गया अकेला प्रोडाउन है फिलहाल मेजर के प्लेस हमारा पूरा यहाँ पर ओपन में खड़े होकर स्प्रेड डाउन करते हुए लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से उन्हें थोड़ा ध्यान स्केटन मुन्ना की ओर भी देना होगा जो डी पी अपनी फाइव एम ओ चलाकर अपनी पोजिशन तो रिवील कर चुके हैं एंड फिर आकर प्रोडाउन भी हो चुके हैं ट्वेंटी के प्लेयर्स को जोन काटना स्टार्ट कर देगा जोन से दूर जी नहीं बिल्कुल रिच रिच, रिच अच्छा बट वो गिनने थोड़ा आगे होता तो उन्होंने निकल पाता बट फिलहाल तो नहीं ट्रंटी हाइपो एवल यहाँ पे एक प्रो हो रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड से जाने का ट्राई मेजर हम वहाँ पे प्रो हो रखे हैं कोई राइट हैंड साइड से आता है उनका तो फिर वो वहां से वो नोक निकालने का ट्राई करेंगे कैरी शायद वहां से निकलने नहीं देंगे मेजर हम्मा उनको लेकिन नीचे उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा हाइपर रिबेल की और भी फाइव सेकेंड्स बचे हुए हैं माथ्रे जोन में आने के लिए फिलहाल मेजर हम्मा को थोड़े थोड़े शायद पिक्सल नीचे से हाइपर रिबेल उनको छोड़ देते हुए <coughs> ट्रिंडी फेयर के जस्ट करीब में स्केल्टन मुन्ना हुआ प्रोन्डाउन है आई डोंट नो बायो अप है उन्हें स्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं ट्वेंटी फेयर जस्ट उनके सामने प्रोन्डाउन है जैसे ही बैठने का कर ट्राई करेंगे स्केल्टर मुन्ना पीछे से नोक निकालते हुए नजर आएंगे मेरा हमारा यहाँ पे बैठे हुए हैं ट्वेंटी कैरी भी धीरे धीरे स्मोक करके आगे डाउन होकर आते हुए प्लेयर्स स्केल्टर मुन्ना अपने डी पी ट्वेंटी एट चला गया फेयर को यहाँ पे अपना पोजिशन तो बता चुके हैं बिल्कुल टेंटी फेयर अब उनकी पोजीशन तो वहाँ पर रिवील कर चुके हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन पता चल गया कि पीछे प्लेयर है फिलहाल मेजर हम आज पहला नोक निकालते हुए हाई पर रिवेल का जैसा कि मैंने बोला था पहला नोक निकालते हुए नजर आएंगे लेकिन जैक वहाँ स्पोर्ट कर चुके थे अहमद को ऑलमोस्ट नोक निकाल सकते थे हाइपर लेवल को फिनिश ऑफ डालने का ट्राई मिजर अहमद को थोड़ा मुश्किल में डालेगा टेंटी फेयर साले को भी डाउन करेंगे मेज़र के लेकिन यहाँ सोले गेट फिनिश ऑफ टेंटी जैक को डाउन करेंगे मेजर जैद लेकिन मेजर जैद भी डाउन हो जाएंगे ट्रंटी कैरी की ओर से फ़िलहाल एजाम लास्ट लसमान सर्वाइवल और ट्रंटी की ओर से बात करो तो वहाँ पे अभी दो प्लेयर्स बचे हुए लेकिन पीछे से, से स्केल्टर मुन्ना मुश्किल में डालेंगे अगर वो फेयर को नोक निकाल दिया तो एक लेकिन होगा नहीं यहाँ से फेयर नो फिलहाल इस चीज़ का फायदा मेज़र को मिलता जैसे मैंने बोला था स्केल्टन मुन्ना थोड़ा फायदा दिलाते हुए नज़र आएंगे किसी भी एक टीम को फिलहाल मेज़र को वो फायदा मिला है क्योंकि उनके दो दो प्लेयर नोक थे वो रिवाइव हो जाएंगे ट्रंटी की बात करूँ तो उनके भी यहाँ पे दो प्लेयर्स नोक थे वो भी एक रिवाइव हो चुका है जैक अभी रिवाइव नहीं हुए हैं थ्री फोर होगी अगर जैक रिवाइव हो जाए तो वहाँ से लेकिन एक गिनेड आता हुआ है कैरी का एक अच्छा गिनेट मेजर जैद को अगेन डाउन करेगा फिलहाल जोन काटेगा यहाँ मेज़र के प्लेयर्स को जोन भी जाना है यहाँ बी टी टीम मेज़र के लिए आते हुए और जोन काफ़ी आगे जोन में जाना है इतना आसान है नहीं फिलहाल टिनटी के प्लेयर सामने होंगे मेजर अहमद अभी के लिए जा रहे हैं एजम भी जा रहे हैं जैद को रिवाइव छोड़ के क्योंकि रिवाइव हो नहीं सकते थे मेजर अम्मद के जस्ट लेफ्ट एंड साइड में दो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं टेंटी कैरी सामने स्पॉट होंगे मेजर अहमद के लेफ्ट एंड साइड में ट्रेंटी प्लेर है उनको नोक कर देंगे एंड मेज़र के लास्ट प्लेयर बचा हुआ है मेजर एजम और बॉपरा वो, वो भी फिनिश ऑफ होगा टीम ट्वेंटी गेटा चिकन डिनर ऑलमोस्ट चिकन आ सकता था बट लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे टीम मेजर हैश टू पे जाती हुई विद नाइन टीम ट्वेंटी गेटा चिकन डिनर विद किल्स ये टीम काफ़ी दिनों से ये चिकन डिनर ढूंढ रही थी ट्वेंटी फियर जैक कैरी बेल बहुत अच्छे तरीके से गेम प्ले अपना बोला दिखाते हुए टीम मेजर आते हुए सेकंड पोजीशन पे एजम जैद सोलह हमद के साथ थर्ड पोजीशन पे में स्केल्टन स्केल्टन ने मुन्ना अपनी टीम को थर्ड पोजीशन दिलाते हुए विद फाइव किल्स टेन आती टीम वैनम जोनियर सिक्स किल के साथ फोर्थ पोजीशन फिर आती हुई टीम बॉब विद फोर किल्स फाइव पोजीशन टेन टीम रो एंड ऑल